ग्राम दानोद में ग्रामीणों को हो रही पानी की समस्या लगाए नए सरपंच पर आरोप बनने के बाद समस्या बढ़ गई। राजपुर ग्राम दानोद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण हुए एकत्रित की पानी सप्लाई चालू करने की मांग। वहीं ग्रामीण महिला सकु ने बताया कि पानी की समस्या हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में समस्या नहीं थी, नए सरपंच आए जब से यह समस्या हो रही है। वहीं दूसरे ग्रामीण नानूराम ने बताया कि पानी है लेकिन फिर भी नया सरपंच जो बना है वह पानी की वाटर सप्लाई चालू न करवा रहा है। वहीं ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ रहा है और ग्रामीण ने बताया कि पानी लेने कुएं पर जा रहा हूं, पानी की समस्या है, सब मिलकर नए सरपंच से बात करेंगे। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष साला ग्राम धनगर ने बताया कि भाजपा के सरपंच ने 7.5 साल तक पानी घर घर पहुंचाया है। वहीं सरपंच ने पूरा कार्य किया है। वहीं चुनाव परिणाम आए हैं जिसमें नया सरपंच बना है तो वोटमैन पुराने सरपंच को चाबी दे गया है। नया सरपंच आए और चाबी लेकर जाए और पानी की समस्या को दूर करे। वही नए सरपंच अनार सिंह ने बताया कि मैं जल्द से जल्द पुराने सरपंच एवं वोटमैन से बात करके इस समस्या का निराकरण करूंगा। क्या समस्या आपको? पानी का, क्या समस्या? कमी है पानी, हैंड पंप ट्यूबवेल कुछ नहीं है। तो पहले पानी आता था क्या? हाँ पहले आता था, पहले तो आता था। अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? नया सरपंच कहो, नया सरपंच बना है क्या? हाँ। तो उनको बोला आपने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? नहीं बोला, तो बोला हम तो आया नहीं। क्यों नहीं बोला? आप कहीं गए थे पानी के लिए, समस्या के लिए? नहीं गया। तो क्या करोगे फिर, आ गया पानी नहीं आएगा तो? अब गांव पंचायत करो वो हो भाई, अब कौन वो करेगा? अनार सिंह सरपंच बने हो, कहाँ के बने हो? मैं ग्राम पंचायत दानोद का सरपंच चुना गया हूँ। पानी की समस्या ले रही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, क्या समस्या हो रही है? मैं सबका आभारी हूँ, वहीं पानी की समस्या है तो मैं पूर्व सरपंच एवं वाटरमैन से बात करके जल्द से जल्द इस समस्या का पूरा प्रयास करने का प्रयास करूँगा। मतलब निराकरण करने की बात कर रहे हो आप, कब तक कर दोगे निराकरण? ये प्रयास जारी है। कब तक हो जाएगा निराकरण ऐसा कुछ? अब वाटरमैन से मिलो, वो पूर्व सरपंच से मिलके ने मतलब बातचीत करके ने मतलब वाटरमैन सप्लाई चालू करेंगे। हमें इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए, क्या समस्या हो रही है? जब से चुनाव हुआ और भाजपा का सरपंच चुनाव में जनता ने कांग्रेस का सरपंच को चुन लिया और भाजपा का उम्मीदवार हमारा हार गया, तो पानी गांव में डेली चल रहा था और जो सरपंच बना वो अभी तक जनता के पास नहीं आया। 4 वर्ष से गांव में पानी की पूरी परेशानी है और हमारे समाज के धनगर समाज के लोग पशुपालन है, पानी के लिए परेशान है और वो अपनी समस्या दूर करने के लिए गांव में नहीं आ रहा, इधर उधर जा रहा और जाके वहाँ कलेक्टर साहब पास जा रहा, सीओ साहब पास जा रहा, टीआई साहब पास गए, वहाँ जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ आके ना सरपंच से, पूर्व सरपंच हमारा है उससे चाबी मांग ले और चाबी हम दिलाएंगे, पर चाबी नहीं ले रहा ना, गांव की समस्या का समाधान नहीं करना चाहता वो। और उधर ऐसे लोग पशु वाले परेशान हो रहे हैं, पशु ने खेतों खेत कुएं पेयों पे सब दौड़ रहे, भटक रहे पानी के लिए। तो सरपंच जीत गया उसके बाद में पब्लिक जनता के बीच में आना चाहिए और पब्लिक की समस्या का समाधान करना चाहिए, ये हमारा कहना है। नहीं तो फिर कल हम सब पूरी पब्लिक जाएंगे, एडीएम साहब के पास जाएंगे, सीओ साहब के पास जाएंगे, नहीं समाधान हुआ तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उसका समस्या का समाधान करवाएंगे। क्या नाम आपका? सालक राम धनगर। किस पद पर हो आप? भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिला उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ जा रहे हो? पानी लेने। कहाँ पर पानी ले जा रहे हो? वो आप तो आपके घर नल नहीं है क्या? नल है नहीं तो पानी नहीं है, तो कल से पानी नहीं आएगा, कई समस्या आ गई है पानी की, कम आपने कहीं करो। क्या समस्या होगी? कहीं होएगा समस्या तो पता। सरपंच बने या नए बने हैं? कौन बने हैं? नए सरपंच बने तो वो देखा, जब देखेगा अभी तो चल रही पानी अब नहीं। वो तो नए सरपंच से बात करी आपने? हाँ कोई बात कर, पूरा गाँव का मिलन जाए जब करेगा कि हम इतना कही। नाना राम धनगर। क्या समस्या आपको? गाँव में पानी की समस्या है सर। क्या समस्या हो रही पानी को लेकर? पानी नया सरपंच बना तो पानी नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? भैया ने बोला कल के चल लूँ कर तो वो आ नहीं रहा है गाँव में। कब जीते हैं वो? 1 तारीख को जीता, 4 तारीख हो गए। तो फिर पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? पानी खेत में से ला रहे हैं सब लोग जा रहे हैं। घर में नल लगे हैं आपके? हाँ नल लगे हैं। पानी पहले आता था? पहले अच्छा आता था। तो अब क्यों नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे आप? तो सरपंच ही नहीं गाँव में आ रहा था, क्या करें आप सर? तो अब क्या करेंगे फिर आगे? अब आगे जाएंगे और कार्रवाई करेंगे उसकी।
सुनने में आ रहा है कि पानी वाटर सप्लाई है लेकिन फिर भी दे नहीं रहे। क्या दे नहीं रहने, वो चल्लू नहीं करवा रहा है तो कहाँ से आएगा पानी? आपका सालक राम धनगर। कौन सी पार्टी? भाजपा का, बड़वानी जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ग्रामीण में समस्या हो रही है पानी को लेकर, क्या समस्या है? पानी के 7 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच ने दानव में इतना काम करा कि 60 साल कांग्रेस की सरकार रही पर दानव के इतिहास में इतना काम नहीं करा। इतना भाजपा के सरपंच ने रात दिन मेहनत करी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके पानी घरों घर 7.5 साल तक पानी पिलाया, दिन रात मेहनत करी और कभी ट्यूबवेल बंद हो, एक दो रोज बंद हो जाती थी तो 200 लोग सरपंच के घर रात में जाते थे। ऐसा काम करा सरपंच ने डर के कि पब्लिक की सेवा करने में कई कसर नहीं छोड़ी है। और जब 1 तारीख को सरपंच हार गया, दूसरा सरपंच बन गया, तो वाटरमैन को चाबी वाटरमैन दे गया सरपंच के घर। सरपंच ने बोल दिया कि जो सरपंच जीता है वह आके चाबी ले जाए, उसको चालू करे। मेरे को सरपंच ने बोला कि भैया तू चाबी कोई को दिला दे ना, चालू कर, गांव वाले परेशान हो गए। खास करके हमारे धनगर समाज के लोग, हरिजन मोहल्ले के लोग, गुजराती मोहल्ले के लोग, या पटेल फले के लोग, पुजारा फले के लोग, सब 5 वार्ड में पानी निःशुल्क चल रहा था और वो चाबी नहीं ले रहा। चाबी लेने के लिए मैंने सरपंच को बोला कि अभी जो फिलहाल में अनार सिंह गोत्रे की बीबी सरपंच है, उसको बोला कि यार चाबी ले जाए, उसको चालू कर। वो बोले कि भैया मैं कल की तारीख में चालू करवा लूँगा, चाबी ले लूँगा, और वो चाबी नहीं ले रहा। वो जा रहे आंदोलन करने, वहाँ जा रहे कि ये सरपंच ने पानी बंद कर दिया, भाजपा का सरपंच हार गया पानी बंद कर। हाँ, ऐसा गलत अफवाह फैला के उस काम करने की मर्जी नहीं है उनकी। वो बोलता मेरे को चार्ज मिलेगा, जब तो चार्ज मिलेगा, जब चार्ज लेना और सरकार के पैसे डालेंगे वो काम करना, पर पानी चलाने में कोई चार्ज वार्ज की जरूरत नहीं है। गाँव की सेवा करने के लिए तो बिगर चार्ज से भी काम कर सकता है। वो वाटरमैन को पैसे देता था सरपंच, पूरे गांव निःशुल्क पानी पिलाया। मेरे पास सीओ साहब का फोन आया, सीओ साहब मेरे घर आए, बोले भैया पानी चालू करवा दो। मैंने कहा सर चाबी ले लो, चालू करवाओ। कौन नहीं बोल रहा। टीआई साहब का फोन आया, टीआई साहब ने बोला पानी क्यों नहीं चल रहा। मैंने कहा सरपंच को बोल रहे हम चाबी ले जा, चाबी ले नहीं जा रहा। और वो जा रहा कलेक्टर पास, सीओ साहब के पास जा रहा, उनके पास थोड़ी चाबी है, चाबी दानोद के सरपंच पूर्व सरपंच पास है, वो चाबी नहीं ले रहा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक 3 नंबर वार्ड का मेम्बर सरपंच को बोल रहा था 6 महीने पहले, 3 रोज पानी गांव बंद हो गया, बोले तो एक सरपंच करने याद नहीं, तो क्यों सरपंच बन गया? उसको मेंबर को मेंबर करने याद नहीं, तो वो कलेक्टर पास क्यों जा रहा? दानोद के सरपंच पास चाबी यहाँ से क्यों लेता? तो ये करो मैं वो क्या कर रहा है कि हम ऐसे घमंडी है कि हम चाबी नहीं लेंगे और हम ये सरपंच हमको घर देने आए। ऐसा कोई घर देने जाएगा, वो आ जाए सरपंच पब्लिक के सामने, चाबी हम छोड़ देंगे। वो बोल दे यहाँ चाबी है, 50 लोगों के बीच में चाबी देना, बोल दे हम यहाँ चाबी दे दे। पर वो गलत अफवाह भाजपा की फैला रहे कि सरपंच में वो क्या कर रहा है कि हम ऐसे घमंडी है कि हम चाबी नहीं लेंगे और हम ये सरपंच हमको घर देने आए। ऐसा कोई घर देने जाएगा, वो आ जाए सरपंच पब्लिक के सामने, चाबी हम छोड़ देंगे। वो बोल दे यहाँ चाबी है, 50 लोगों के बीच में चाबी देना, बोल दे हम यहाँ चाबी दे दे। पर वो गलत अफवाह भाजपा की फैला रहे कि सरपंच चाबी नहीं दे रहा, ताला लगा दिया, फलाना कर दिया, वो हार गया तो वो बकड़ा गया। ये कहीं नहीं हुआ, हम कहीं नहीं हारे, जनता हारी, जनता को टेंशन, हमको काहे का टेंशन? हमारी सरकार ने दिल्ली से भोपाल, भोपाल से बड़वानी, बड़वानी से दानव तक काम कराए। काम पे हमने वोट मांगे, हमने लालच में जनता को लालच में रख के काम नहीं करा और अभी भी नहीं करेंगे। हम डंका चोट काम करेंगे, डरेंगे नहीं। ये जीत भी गया तो क्या करेगा? काम तो करेगा, हमारी सरकार जो योजना देगी वही करेगा कि अलग से लाएगा? बता, एकजुट होकर काम करेंगे और एक एक काम करवाएंगे। ऐसा नहीं जो पानी बंद कर दें हमारे माथे पड़ जाए, ये काम बंद करें हमारे माथे पड़, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम भी 24 घंटा निगरानी में रख के पंचायत को चलाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।